ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर श्री अजित पवार का समर्थन किया है। पार्टी विधायकों की आज मुंबई में हुई बैठक में श्री पवार से अनुरोध किया गया कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता शशिकांत शिंदे ने बताया कि पार्टी के सभी विधायक और पार्षद शुक्रवार को मुंबई में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे और अंतिम फैसला उन पर छोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश में विज्ञान के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने को कहा है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान में सकल घरेलू उत्पाद का 2% निवेश किया जा सके। वे आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि परिषद को विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहिए। इससे पहले डॉ सिंह ने वर्ष 2011 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए। उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के युवा वैज्ञानिकों को भी पुरस्कृत किया। भारत ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं की आवाज के नमूने देने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी सहित मुंबई हमले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को जल्दी निपटाने को भी कहा है। सार्क के गृह और आंतरिक मामलों के मंत्रियों के मालदीव में हो रहे सम्मेलन के अवसर पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक के साथ अपनी पहली बैठक में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने को भी कहा है। श्री रहमान मलिक ने दोहराया कि पाकिस्तान 2008 के मुंबई आतंकी हमले से संबंधित मुकदमों को उनकी तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए वचनबद्ध है। मणिपुर में 114 उग्रवादियों ने आज मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। इम्फाल में मंत्री पुखरी में असम राइफल्स के महानिरीक्षक मुख्यालय में आयोजित समारोह में इन उग्रवादियों ने समर्पण करते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। महाराष्ट्र में आज सुबह बुलढाणा जिले में पूर्णा नदी में राज्य परिवहन निगम की एक बस के गिर जाने से कम 19 लोग मारे गए हैं, 17 अन्य घायल हुए हैं। अनुमान है कि बस में 60 से 70 तक लोग यात्रा कर रहे थे, इसलिए हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। ये दुर्घटना बस का टायर फटने के कारण हुई, जिसके बाद ड्राइवर बस पर नियंत्रण खो बैठा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार सेबी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष यूके सिन्हा और वित्त मंत्री की पूर्व सलाहकार अमिता पॉल को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नियमों का उल्लंघन करके सेबी के अध्यक्ष पद पर श्री सिन्हा की नियुक्ति की गई। इस याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने आज ये नोटिस जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे 3 सप्ताह में अपने जवाब दाखिल करें। असम में अधिकतर जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, पानी लगातार चढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुवाहाटी में जलस्तर खतरे के निशान से 1.06 मीटर ऊपर हो गया है। गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा, कामरूप और धुबरी में नदी का पानी बढ़ रहा है। पांडू, गौरीगांव, अदाबाड़ी और संसाली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोरीगांव जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाओं में 18 लोगों की जान जा चुकी है और 10 लापता हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जम्मू कश्मीर की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्री मुखर्जी कल कश्मीर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। श्री मुखर्जी केंद्र की सहायता से चलाई जा रही ढल झील संरक्षण परियोजना का जायजा लेंगे। वे शुक्रवार को दिल्ली लौट आएंगे। श्री मुखर्जी की ये पहली श्रीनगर यात्रा है। उनकी यात्रा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज के विश्राम के बाद कल से सुपर 8 मुकाबले शुरू होंगे। कल ग्रुप 1 में श्रीलंका का मुकाबला न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। शुक्रवार को ग्रुप 2 में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।